फ्रेंड्स, फाइनेंशियल्स बनाने का सीजन चल रहा है। बहुत ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर, बट फ्रेंड्स प्रॉब्लम तब आती है, मैंने फाइनेंशियल्स क्रिएट कर लिए बट किसी रीजन से मेरे डेटा में चेंज आ गया, मेरे टैली में, सपोज मैं टैली से बनाता हूं तो टैली में कुछ चेंज आ गया, मैंने नंबर ऑफ एंट्रीज ऐड कर दी या कुछ और उसके अंदर चेंजेस किए, और फ्रेंड्स दोबारा मेरे को उस टीवी को निकाल के पेस्ट करना, सारे फॉर्मूले ठीक करना, फ्रेंड्स कई बार बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर आप लोगों से बोलूं कि केवल आप विद इन फ्यू क्लिक्स आप इस टैली के डेटा को अपने एक्सेल में ऑटोमेटिकली लेकर भी आएंगे और कंप्लीट फाइनेंशियल्स अपडेट भी करेंगे, तो फ्रेंड्स कैसा रहेगा? तो आज के फ्रेंड्स वीडियो में कंप्लीट ऑटोमेशन हम लोग देखेंगे, टैली से अपने फाइनेंशियल्स आपको ऑटोमेटिकली कैसे क्रिएट करने हैं। सैंपल आप लोगों के सामने है फ्रेंड्स। सपोज फ्रेंड्स मेरे पास ये एक फाइनेंशियल्स का फॉर्मेट मैंने क्रिएट कर लिया, जो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे करना है। ये फ्रेंड्स डेटा मेरा टैली से आया है, टैली में कुछ भी चेंज आया, नए अकाउंट ऐड हुए, नंबर चेंज हुए, सिंपल राइट क्लिक रिफ्रेश, टैली से मेरा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। देन फ्रेंड्स एक बार मुझे और रिफ्रेश करना है, एंड देन फाइनली मैं अपने नोट्स को राइट क्लिक एंड रिफ्रेश करूंगा, एंड फ्रेंड्स मेरे फाइनेंशियल्स रेडी हैं, राइट, मेरा P&L बैलेंस शीट नोट्स रेडी है, राइट फ्रेंड्स। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम जैन। फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टैली से ऑटोमेटिकली अपने फाइनेंशियल्स कैसे क्रिएट करने हैं। इवन आपको डेटा भी एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डेटा यहां पर आएगा और आपके फाइनेंशियल्स क्रिएट होंगे। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा आज का लेंथी होगा, बट फ्रेंड्स जिनके काम का है, जो लोग भी टैली से अपने डेटा पर काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनके बहुत काम का होने वाला है। अगर आप टैली के अलावा किसी और सॉफ्टवेयर में डेटा मेंटेन करते हैं फ्रेंड्स, तब भी ये वीडियो आपके काम का है, क्योंकि टैली का जो रिफ्रेश वाला पार्ट है वो आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद का जो पोर्शन है वो सबके लिए सेम है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से डेटा लाएंगे, केवल आपको फॉर्मेट वो क्रिएट करना है और उसके बाद आपके फाइनेंशियल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो वीडियो प्लीज स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट ऐसे ही फ्यूचर में और बढ़िया बढ़िया वीडियोस आप लोगों तक रियल टाइम पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स स्क्रीन आप लोगों के सामने, क्या करना है फ्रेंड्स, स्टार्ट से स्क्रैच से हम लोग देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन होता है उस पार्ट को आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपना टैली ओपन करना है, राइट, मैंने ऑलरेडी टैली ओपन किया हुआ है। टैली ओपन करके जिस भी कंपनी के आपको फाइनेंशियल्स बनाने हैं वो कंपनी आप ओपन कर लेंगे, जैसे बिजनेस सॉल्यूशंस करके मैंने एक डमी कंपनी यहां पर ओपन कर ली है। जिस फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल्स बनाने हैं वो फाइनेंशियल ईयर आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, राइट, मेरा कोई पुराना डेटा है यहां पर जो मैं यूज कर रहा हूं, उस फाइनेंशियल ईयर को आपको सेलेक्ट कर लेना है, राइट। फ्रेंड्स टैली जब आप ओपन करेंगे तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, टैली आप एक तो ऑप्शन होता है डबल क्लिक करके सीधा ओपन कर लेते हैं, आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, राइट, टैली वाले आइकन पे राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए एडमिन आपको उस पर लॉग इन करना है, राइट, तो ये हमें ध्यान रखना है, अदरवाइज फंक्शन काम नहीं करेगा, राइट। चलो जी, तो मेरा टैली फ्रेंड्स ओपन हो गया, इसके बाद टैली का काम खत्म, अब मेरे को टैली पे आना ही नहीं है। टैली ओपन किया, कंपनी को सेलेक्ट किया, फाइनेंशियल ईयर जिसके भी फाइनेंशियल्स क्रिएट करने हैं सेलेक्ट किया और इसको कर दो मिनिमाइज। अब अपनी एक्सेल फाइल पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, सपोज फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ टैब ऑलरेडी मैंने बना लिए हैं सो दैट मैं इस वीडियो में अपना टाइम सेव कर पाऊं, बट ये मैं बताऊंगा क्या है। सबसे पहला काम मेरे को टैली से डेटा यहां पर लेकर आना है, राइट। टैली से डेटा लाने के लिए फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली टैली से डेटा लाने के लिए मुझे एक्सेल को टैली के सर्वर से कनेक्ट करना है, टैली के सर्वर से एक्सेल को कनेक्ट करना है ODBC सर्वर के थ्रू। फ्रेंड्स हम ये लोग ये काम करने वाले हैं। ODBC क्या होता है नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, जाने देना, प्रोसेस देख लो, बस एक मिनट का प्रोसेस है, राइट। तो सिंपल फ्रेंड्स अपने एक्सेल के अंदर आपको डेटा में जाना है, डेटा के अंदर मेरे पास ये गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के ऑप्शन होते हैं, यहां पर गेट डेटा पे क्लिक करना है, राइट। किसी किसी के फ्रेंड्स एक्सेल में थोड़ा डिफरेंटली मिलेंगे ये फंक्शन, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, राइट। इसके अंदर फ्रॉम अदर सोर्सेज में मेरे को फ्रेंड्स जाना है कहां, माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी। फ्रेंड्स मैंने इस पर क्लिक किया और जैसे फ्रेंड्स मैं क्लिक करता हूं, एक छोटी सी विंडो मेरे पास ओपन हो जाती है। यहां पर फ्रेंड्स आपको नजर आएगा टैली ODBC, राइट। फ्रेंड्स जिसको भी ये टैली ODBC नजर ना आए, उसको अपने टैली की सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस क्या है फ्रेंड्स, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके प्लीज अपने टैली में वो चेंजेस कर लीजिएगा, राइट फ्रेंड्स। तो वो चेंजेस आप अपने टैली में सबसे पहले कर लीजिएगा और दोबारा जब आप यहां पर आएंगे तो आपको यहां पर टैली ODBC नजर आ जाएगा,
राइट। तो जिसको भी नजर नहीं आ रहा है, प्लीज वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है, डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, वहां पे आप जाके उस डॉक्यूमेंट को देख के स्क्रीनशॉट के साथ वो डॉक्यूमेंट है, आप वहां जाके वो चेंजेस कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, इसमें से अगर दो नजर आ रहे हैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लो राइट, और इसको मेरे को ओके करना है। ओके किया फ्रेंड्स, कनेक्शन बन रहा है राइट। कनेक्शन बनाने के लिए राइट एक स्क्रीन मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है। अब फ्रेंड्स इसने क्या किया, टैली में जितना भी कुछ होता है सब ओपन कर दिया। मुझे क्या चाहिए फ्रेंड्स, मुझे लेजर पे जाना है। लेजर पे फ्रेंड्स बहुत सारी चीजों में आप ट्राई करके देख लेना, यहां पर डेटा आपको मिलेगा नहीं, फील्ड दी हुई है बट ब्लैंक डेटा आता है राइट, बट लेजर आपको प्रॉपर मिलेंगे। तो लेजर पे जाने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, चार बार एल प्रेस करना है, एल चार बार प्रेस करना है, 1 2 3 4 फोर टाइम मैंने एल प्रेस किया तो मैं लेजर पे आ गया, लेजर पे आ गया। और इस प्लस के साइन को मुझे खोल लेना है, प्लस के साइन को मुझे खोल लेना है फ्रेंड्स। सबसे पहले मुझे चाहिए अकाउंट नेम, अकाउंट नेम चाहिए राइट। नेम के लिए फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, दूसरी फाइल में मैं आपको फ्रेंड्स दिखा देता हूं। नेम मुझे चाहिए जैसे मैंने यहां पर लिया है, ये डेटा मेरा आ रहा है, लेजर नेम, नेम, फिर मैं प्राइमरी ग्रुप लाऊंगा, फिर पेरेंट लेकर आऊंगा और फिर क्लोजिंग बैलेंस। ये चार फील्ड मैं टैली से लेकर आने वाला हूं ठीक है जी। अपनी शीट पे वापस चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेम पर जाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, डॉलर साइन करके एन प्रेस करना है, डॉलर प्रेस करके एन कंटिन्यूएशन में राइट। फ्रेंड्स मैं सर्च भी कर सकता हूं ये लिस्ट, लेकिन बहुत लंबी है, मेरे को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत आइटम है इसके अंदर, बहुत आइटम है, मैक्सिमम काम के नहीं है राइट। तो शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, कंटिन्यूएशन में आपको प्रेस करना है डॉलर एन। तो मेरे को क्या प्रेस करना है, डॉलर प्लस एन, तो डॉलर शिफ्ट की के साथ मुझे 4 एंड एन। जैसे ही मैंने डॉलर के साथ एन प्रेस किया फ्रेंड्स, आप देखेंगे सीधा ये नेम पर आ गया, सिलेक्ट हो गया। ये वाला फ्रेंड्स एक एरो दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करके इसको हम राइट हैंड साइड पर यहां ले आएंगे राइट। फ्रेंड्स ये राइट हैंड साइड पर आ चुका है डॉलर। अब मुझे फ्रेंड्स क्या करना है, अब मुझे चाहिए यहां पर प्राइमरी ग्रुप राइट। प्राइमरी ग्रुप के लिए फ्रेंड्स मुझे क्या प्रेस करना है, डॉलर अंडरस्कोर पी, डॉलर अंडरस्कोर पी, डॉलर अंडरस्कोर पी। फ्रेंड्स मेरे को इधर कहीं पर क्लिक नहीं करना है, एक एक करके सिक्वेंस में करना है, वरना आपकी सिक्वेंस जो मैं बता रहा हूं हिल जाएगी, आपको पूरा प्रोसेस शुरू से करना पड़ेगा। तो आपने एक बार नेम ले आए, उसके बाद कहीं क्लिक मत करना, सीधा डॉलर अंडरस्कोर पी, डॉलर अंडरस्कोर पी। तो मैंने डॉलर प्रेस किया, अंडरस्कोर एंड पी, डॉलर अंडरस्कोर पी करता हूं फ्रेंड्स, प्राइमरी ग्रुप आ जाता है, क्लिक कर दिया प्राइमरी ग्रुप। अब मेरे को पेरेंट चाहिए, अब पेरेंट चाहिए, पेरेंट के लिए फ्रेंड्स मेरे को डायरेक्ट डॉलर पी करता हूं तो काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, आप ट्राई करके देख लेना। आपको करना है डॉलर यू, डॉलर यू क्यों करना है अभी दिखा देता हूं राइट। डॉलर यू प्रेस किया फ्रेंड्स, मेरे को ये अपलोड डेटा रिफ्रेश पे कहीं ले आया, लेकिन एग्जैक्टली उसके नीचे पेरेंट है। अब डॉलर पी डायरेक्ट करेंगे नहीं काम करेगा, ढूंढना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं सिक्वेंस में यूज करते जाना, आपका काम बनता जाएगा। लास्ट मुझे चाहिए फ्रेंड्स क्लोजिंग बैलेंस राइट। क्लोजिंग बैलेंस के लिए मुझे चाहिए डॉलर अंडरस्कोर सी, मैंने बुलाया डॉलर अंडरस्कोर सी, डॉलर अंडरस्कोर सी मेरा आ गया क्लोजिंग बैलेंस पे राइट। मेरे को इधर कर देना है क्लोजिंग बैलेंस। तो नेम, प्राइमरी ग्रुप, पेरेंट, क्लोजिंग बैलेंस मेरे यहां पर आ चुके हैं। अब फ्रेंड्स मेरा काम हो चुका है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है राइट। और इसको फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, फिनिश कर देना है, फिनिश राइट। मैंने इसको फिनिश किया फ्रेंड्स, एक विंडो ओपन हो जाती है, ये मेरे से पूछ रहा है टेबल, इस टेबल पे क्लिक करके रखना है, कहीं और नहीं करना, मुझे टेबल चाहिए, कोई मेरे को पाइवट टेबल क्रिएट नहीं करनी, चार्ट क्रिएट नहीं करना, केवल टेबल चाहिए। एग्जिस्टिंग वर्कशीट कौन सी, मैंने एक ऑलरेडी शीट 7 इंसर्ट की हुई है, A1 राइट, A1 में ले आऊं ठीक है जी। न्यू वर्कशीट पे लाना है तो न्यू वर्कशीट, ये अलग वर्कशीट पे ले आएगा, मैं फिलहाल एग्जिस्टिंग जो मैंने कर रखी है उस पे ले आता हूं। और मैंने इसको ओके किया एंड फ्रेंड्स टैली से डेटा मेरा यहां पर आ चुका है, टैली से मेरा कनेक्शन बन चुका है फ्रेंड्स। सिंपल, मेरे टैली में कोई भी चेंज आता है मैं इस पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूंगा, मेरा डेटा रिफ्रेश होता रहेगा, टैली ओपन होना चाहिए। यहां पर फ्रेंड्स एक चीज बता देता हूं कि आप जब भी राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये इंश्योर करना है कि टैली में वही कंपनी खुली हुई है जो ये वाली कंपनी है, वही फाइनेंशियल ईयर खुला है जिस फाइनेंशियल ईयर का मैं बना रहा हूं। क्योंकि राइट क्लिक करके जब आप रिफ्रेश करेंगे, राइट क्लिक करके जब आप रिफ्रेश करेंगे तो जो भी कंपनी और जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा उसका डेटा यहां ले आएगा। इसको नहीं पता यहां पर आप कौन सा डेटा लाए हैं राइट। तो यहां ये एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि कभी गलती से भी गलती ना हो, वो आगे बताने वाला हूं राइट। प्रॉब्लम बता दिया, सॉल्यूशन अभी दे दूंगा। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, एक इशू है फ्रेंड्स, इस डेटा के अंदर बहुत सारे ब्लैंक आइटम आ रहे हैं, जीरो वैल्यू आ रही है। अगर मुझे चाहिए ये ठीक है, लेकिन अगर मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, इनको मैं हटा सकता हूं। कैसे हटाऊंगा कि टैली से जब भी मैं रिफ्रेश करूं तो ये बिना ब्लैंक और बिना जीरो का डेटा मेरे पास आए, क्लीन डेटा आए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर कर देते हैं
डेटा फ्रॉम टैली डायरेक्टली, ये तो मेरा डायरेक्ट डेटा है, यही आएगा। अब इसका क्लीनअप करना है, क्लीनअप में मुझे ब्लैंक और जीरो हटाने हैं। तो फ्रेंड्स डेटा के अंदर ही आपके पास एक ऑप्शन है फ्रॉम टेबल रेंज। आप फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स, इसी को ये पावर क्वेरी में ओपन करेगा, इस डेटा को पावर क्वेरी में ले जाएगा। फ्रेंड्स पावर क्वेरी नहीं सिखाने वाला हूं बिल्कुल भी, बट पावर क्वेरी का एक छोटा सा फंक्शन जो इसको क्लीन करने के काम आने वाला है वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो पावर क्वेरी की डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। यहां पर फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, आप देखो वो चार कॉलम मुझे नजर आ गए। ये जो लेजर क्लोजिंग बैलेंस है, जो नल है वो ब्लैंक है, जो जीरो है वो जीरो है। तो मुझे ना नल चाहिए ना जीरो चाहिए, तो सिंपल फ्रेंड्स यहां पर ही फिल्टर, नॉर्मल जैसे एक्सेल का फिल्टर होता है वैसे यहां पर भी एक फिल्टर है, वह फिल्टर ओपन करो और इसके अंदर से नल को हटा दो और यहां से जीरो को हटा दो। राइट, नल को और जीरो को मैंने हटाया और ओके कर दिया। राइट, अब मेरे पास क्लीन डेटा है, क्लीन डेटा है, हो गया डन। इसको क्लोज एंड लोड, यहां लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है क्लोज एंड लोड। क्लोज एंड लोड टू नहीं करना फ्रेंड्स, क्लोज एंड लोड कर देना। क्लोज एंड लोड फ्रेंड्स जैसे ही मैंने किया, आप ध्यान देंगे नीचे यहां पर फ्रेंड्स इसने क्या किया, इसने एक और टैब क्रिएट कर दिया जिसके अंदर ही मेरा क्लीन डेटा लेकर आ गया। तो डायरेक्ट जो डेटा आ रहा था वो इसके अंदर है जो कि अनक्लीन्ड है, और यहां पर फ्रेंड्स क्लीन डेटा है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, आप जो भी नाम लिखना चाहें, मैंने अपने रेफरेंस के लिए क्लीन्ड टैली डेटा लिख दिया, क्लीन टैली डेटा लिख दिया। तो फ्रेंड्स टैली में कभी भी कुछ भी चेंज आएगा तो मुझे सिंपल पहले इसको रिफ्रेश करना है, क्योंकि ये टैली से डायरेक्ट डेटा आ रहा है, और ये जो बना है क्लीन डेटा ये किससे है मेरा, इस बेस डेटा से। राइट, तो मेरे को यहां पर राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश करना है, तो यहां पर जो भी चेंज मैंने किए वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और ये डेटा फ्रेंड्स इसमें देखेंगे कोई भी जीरो नहीं है और कोई भी ब्लैंक नहीं है। इसके अंदर टोटल लाइन आइटम थे मेरे 86, बट यहां पर जो मेरे टोटल लाइन आइटम है दैट इज 62, ठीक है जी, क्लियर। अभी तक का अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज नीचे एक लाइक का बटन है उसको जरूर दबाइएगा, और अगर आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए क्योंकि आपको और अच्छे अच्छे फ्यूचर में ऐसे वीडियोस चाहिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टैली से फ्रेंड्स मेरा डेटा आ चुका है, नाउ क्या करना है मुझे, अब मुझे फ्रेंड्स कुछ वर्किंग करनी है। वर्किंग क्या करनी है, एक वर्किंग टैब फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसके अंदर आप देखेंगे मैंने कुछ हेडिंग बनाए हुए हैं। इसमें स्टार्टिंग के जो चार हेडिंग है, नेम, प्राइमरी ग्रुप, पेरेंट और बैलेंस, ये एग्जैक्टली वही है जो टैली से आ रहे हैं। राइट, एग्जैक्टली वही है। नेम थोड़ा नाम मैंने क्लीन करके लिख लिया, इसमें लेजर डॉलर नेम जो टैली से आता है वो लिखा हुआ है, बट मैंने क्लीन करके लिख लिया इसको। चार ये वो है, आगे मैंने फ्रेंड्स नोट नंबर भी हमें क्रिएट करने हैं, मुझे नोट नंबर भी चाहिए होंगे और मैं चाहता हूं वो ऑटोमेटिकली आए। नोट नंबर थोड़ा मैं मैनुअली लिखूंगा, कोई चेंज आता है तो फिर नोट नंबर ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी होने चाहिए, सब मुझे चाहिए तो मैं करूंगा। नोट एंड ग्रुप क्यों करना है अभी बताऊंगा, क्या है अमाउंट फॉर नोट्स, जो अमाउंट नोट्स में लेके जानी है वो क्या है बताऊंगा, एक मिनट में बताऊंगा। राइट, क्यों अमाउंट अलग से फिर लिख रहा हूं। सबसे पहले फ्रेंड्स जब भी मेरा टैली का डेटा आ जाएगा आपको इस पे काम नहीं करना है, सिंपल आप इसको कॉपी करोगे और अलग शीट में इसको पेस्ट करोगे। क्यों उसमें काम नहीं करना है, थोड़ी देर पहले फ्रेंड्स मैंने बताया था कि अगर आपने इसको राइट क्लिक करके गलती से रिफ्रेश कर दिया, और सपोज टैली में कोई और कंपनी खोली हुई है, टैली में मैंने कोई और कंपनी खोल ली और मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश, कोई और फाइनेंशियल ईयर है, मेरा क्या होगा, ये डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। इसको नहीं पता कौन सी कंपनी, इसको नहीं पता कौन सा फाइनेंशियल ईयर, जो खुला है उसका डेटा ले आएगा। गलती से आपने रिफ्रेश कर दिया, गलती से आपने इसे रिफ्रेश कर दिया, और अगर आपने इसी से अपने आगे फाइनेंशियल्स को लिंक कर दिया, आपके पूरे फाइनेंशियल्स का सत्यानाश हो जाना है। राइट, इसीलिए केवल एक ये प्रोसेस हम मैनुअली कर रहे हैं, इसको हम डेटा को वर्किंग में पेस्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को मैक्रो बहुत अच्छे से आते हैं, हिंट कर रहा हूं, बताऊंगा नहीं अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैक्रो का नहीं है। राइट, तो यहां से आप कॉपी एक मैक्रो लगा के कर सकते हो, वो भी प्रोसेस ऑटोमेट हो सकता है। राइट, बट अभी के लिए जिनको मैक्रो नहीं आते छोड़ दो, आप यहां से सिंपल डेटा को कॉपी करो और यहां पेस्ट कर दो। ठीक है जी, कर दिया, जब भी डेटा अपडेट होगा आप यहां से कॉपी करोगे और इसको पेस्ट कर दोगे, बस खत्म। इतना काम मैनुअल है इसके अंदर। अब यहां पर फ्रेंड्स मुझे नोट नंबर चाहिए। नोट नंबर कैसे आएंगे फ्रेंड्स, एक आप देखेंगे नोट्स मैपिंग मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। राइट, नोट्स मैपिंग मेरी क्या है फ्रेंड्स, जो भी मेरे यहां पर ग्रुप होंगे, जो मेरे को आगे बैलेंस शीट और पीएनएल के फेस पे जो मेरे आइटम नजर आते हैं। राइट, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, मेरी बैलेंस शीट में मेरे कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस लोन लाइबिलिटी जो ब्रॉड हेड होते हैं, मैं वन टाइम उनकी फ्रेंड्स एक लिस्ट बना लूंगा, वन टाइम उनकी एक मैं लिस्ट बना लूंगा। राइट, एक मैं उनकी लिस्ट बना लूंगा, बना लीजिए ठीक है, और उनके आगे जो मुझे नोट नंबर लिखना है जिस सीक्वेंस में, वो वन टाइम मेरे को करना है काम। हर कंपनी के लिए यही मैं सीक्वेंस यूज करूंगा, हर कंपनी के लिए फ्रेंड्स मैं यही फाइल यूज कर लूंगा,
तो मैंने जी बना लिया जी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मैं पहले कैपिटल दिखाऊंगा, लोन अगर आपके रिजर्व एंड सरप्लस भी है वो भी आप यहां डाल सकते हो, और सिक्वेंस में नोट नंबर डाल दो, कल को कुछ चेंज होता है आप इंसर्ट करो, चेंज करो और नोट नंबर चेंज कर दो, सिंपल। ठीक है जी, ये मैंने नोट नंबर बना लिया। और यहां पर वर्किंग में फ्रेंड्स मैं वी लुकअप का फंक्शन यूज करके, राइट, वी लुकअप का फंक्शन यूज करके इक्वल्स टू वी एल डब्ल ओ के यू पी वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, राइट, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट मैंने पेरेंट पे, क्योंकि राइट मैंने इस पे मैंने अपना जो है नोट नंबर बनाए हैं, कोमा, देन टेबल एरे, कहां से रेंज आएगी मेरी, राइट, नोट्स मैपिंग, इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लो, कोमा, एंड देन कौन से नंबर के कॉलम से आएगा, टू कोमा जीरो ब्रैकेट क्लोज एंटर। आई होप फ्रेंड्स वी लुकअप आप लोगों को आता होगा, जिनको नहीं आता है प्लीज वी लुकअप ध्यान से एक बार कर लीजिएगा इस वीडियो पे आने से पहले, राइट। कॉपी किया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। फ्रेंड्स आप देखेंगे फ्रेंड्स मेरी जो टेबल है, राइट, मेरा जो डेटा है यहां पर सारा आ चुका है, राइट, मेरे सारे नोट नंबर फ्रेंड्स यहां पर आ चुके हैं। यहां पर फ्रेंड्स आप एक काम कर सकते हो, राइट, एक काम फ्रेंड्स यहां पर ये कर सकते हो, बल्कि करना ही है, आप जब ये टेबल क्रिएट करोगे ना वर्किंग, इसको आप टेबल में कन्वर्ट कर देना, एक्सेल की ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करने के लिए अपने डेटा के ऊपर आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है, कंट्रोल टी ये सारा डेटा आपका सिलेक्ट करेगा, सारी रेंज नीचे तक ले लेगा, एंड फ्रेंड्स इसके बाद इसको आपको ओके कर देना है, ओके कर देना है। मैंने इसको ओके कर दिया फ्रेंड्स, एक मेरी ये यहां पर नोट नंबर नहीं आ रहा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों नहीं आ रहा है बताऊंगा, इसके ऊपर अभी आऊंगा, पी एंडल में थोड़ा सा डिफरेंटली आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों करा है फ्रेंड्स मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट, फ्रेंड्स जब मैं आगे जाके नोट्स बनाऊंगा, नोट्स बनाने के लिए मैं पाइवट का फंक्शन यूज करने वाला हूं। कल को मान लो इसमें आपके नए आइटम ऐड हो जाते हैं, आपको रेंजेस चेंज नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ये टेबल है, ये ऑटोमेटिकली उसकी रेंज को एक्सपेंड करेगा, राइट, और आपको आगे जो रेंजेस है वो चेंज नहीं करनी पड़ेंगी पाइवट के अंदर, अभी मैं यूज करूंगा उस फंक्शन को, राइट। तो आप टेबल में कन्वर्ट कर लो बस, और कुछ नहीं करना। और दूसरा फायदा क्या है, मैं जब भी फॉर्मूला लगाऊंगा वो फॉर्मूला नीचे तक अपने आप लग जाएगा, कैसे अभी दिखाता हूं। अब मेरे को यहां क्या चाहिए, नोट एंड ग्रुप नेम, नोट एंड ग्रुप नेम इक्वल्स टू नोट एंड ग्रुप नेम। देखो अब ये क्या कर रहा है, नोट नंबर उस कॉलम का नेम उठा रहा है, क्योंकि मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया है, तो इस कॉलम का नेम उठा रहा है, सेल E2 नहीं उठा रहा, नॉर्मली सेल E2 उठाता, बट अब कॉलम का नेम उठा रहा है। जब आप टेबल में कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड्स उसके अंदर फॉर्मूले भी थोड़ा डिफरेंटली यूज होते हैं, बट आपको कुछ नहीं करना, आपको तो उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद उसमें ज्वाइन करना है, क्या उसके अंदर ज्वाइन करना है, ये पेरेंट सन्ड्री डेटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स ये वाले, राइट, उसके अंदर ज्वाइन कर देने हैं। तो फ्रेंड्स कैसे मुझे ज्वाइन करने हैं, मुझे सिंपल एंड का फंक्शन यूज करना है, किसी के साथ भी एंड जब मैं जोड़ता हूं तो आगे का मैं, राइट, आगे के मैं आइटम उसके अंदर एड कर सकता हूं, जैसे दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, एंटर किया फ्रेंड्स आप देखेंगे नीचे तक मेरे फॉर्मूले लग गए और आगे नोट नंबर आ गया और फिर सन्ड्री डेटर्स आ गया। लेकिन फ्रेंड्स मुझे बीच में स्पेस भी चाहिए, 9 के बीच में स्पेस चाहिए, 4 के बीच में स्पेस चाहिए, तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, मैं इस एंड के बाद एक स्पेस ऐड कर दूंगा, डबल इन्वर्टेड कोमा में एक स्पेस, डबल इन्वर्टेड कोमा। कोई भी काम जब मैं मैनुअली फॉर्मूले के अंदर कुछ भी मैनुअली लिखना है तो डबल इन्वर्टेड कोमा में, इवन मुझे स्पेस लिखना है डबल इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है जी। फिर मेरे को एंड लगाना है, क्योंकि मैंने क्या किया, नोट नंबर एंड स्पेस एंड पेरेंट, राइट, एंटर किया, देखो जी स्पेस भी आ गया, राइट। अब यहां पर मेरे को अमाउंट फॉर नोट्स चाहिए, अमाउंट फॉर नोट्स क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। टैली से मेरा जब भी डेटा आता है, टैली से मेरा जब भी डेटा आता है तो आप यहां पर फ्रेंड्स देखेंगे कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। नॉर्मली मैं टैली से अगर ट्रायल निकालता हूं, अगर आप लोगों ने निकाला हो, राइट, नॉर्मल वे में ट्रायल जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, उसके अंदर ऐसे नेगेटिव वैल्यूज शायद ही कोई मिलती है आपको, नॉर्मली पॉजिटिव आती है डेबिट क्रेडिट ओके। बट यहां पर फ्रेंड्स क्योंकि ये एक ही कॉलम में दिखा रहा है, ये जितने भी डेबिट हैं वो आपके नेगेटिव लेके आएगा, नेगेटिव मींस डेबिट वैल्यू है और पॉजिटिव मींस क्रेडिट वैल्यू है। ये इस नेचर से इसको कोई मतलब नहीं है कि जो एक ग्रुप है वो डेबिट नेचर का है क्रेडिट नेचर का है, फर्क नहीं पड़ता इसको। इसके अंदर बैलेंस अगर डेबिट है तो नेगेटिव दिखेगा, क्रेडिट है तो पॉजिटिव दिखेगा, सिंपल। लेकिन नोट्स के अंदर तो मुझे माइनस प्लस नहीं दिखाने ना, नोट्स में तो मैं सब पॉजिटिव दिखाऊंगा, सब पॉजिटिव दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं वर्किंग के अंदर एक फॉर्मूला लगाऊंगा जिससे कि जितनी भी वैल्यूज नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव दिखे, पॉजिटिव भी पॉजिटिव दिखे, नेगेटिव भी पॉजिटिव दिखे। उसके लिए फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट का, इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ए बी एस, केवल मुझे ए बी एस लिखना है, ए बी एस लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट, क्या पूछता है नंबर, नंबर कौन सा, ये वाला,
ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर, नीचे तक फॉर्मूला फ्रेंड्स अपने आप आ जाता है क्योंकि मैं टेबल यूज कर रहा हूं, राइट। और आप देखेंगे सारी वैल्यू जितनी भी है फ्रेंड्स मेरी सब पॉजिटिव आ चुकी है, राइट। ये फ्रेंड्स मैंने अपनी वर्किंग रेडी कर ली, सारी वर्किंग रेडी कर ली। अब फ्रेंड्स क्या करना है मुझे, मेरी वर्किंग भी रेडी है, अब जी मुझे बैलेंस शीट बनानी है, पी एंड एल बनाना है और नोट्स बनाने हैं। बैलेंस शीट, पी एंड एल एंड नोट्स, सिंपल। क्या करना है फ्रेंड्स उसके लिए, सबसे पहले बनाते हैं चलो नोट्स, नोट्स बनाते हैं। अब कैसे बनाऊं नोट्स एक पाइवट के थ्रू, सो डेट शेप दिखे, राइट, कुछ इस तरह की शेप दिखे। और मैं अगर इसको प्रिंट भी करूं तो प्रिंट फ्रेंड्स कुछ इस तरह का फील आए, प्रिंट इस तरह का आए जिसके अंदर मेरे नोट नंबर भी है। अब आप रिकॉल कर पाएंगे मैंने क्यों नोट नंबर और नेम को मर्ज किया था अभी, राइट। यहां पर मेरे अकाउंट के नेम आएंगे, यहां पर मेरा टोटल भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स पाइवट का फंक्शन मैं यहां पर यूज करूंगा, राइट। तो क्या करना है फ्रेंड्स मुझे, वर्किंग, मेरे को अपने डेटा को सिलेक्ट करना है और मेरे को सिंपल शॉर्टकट की पाइवट की यूज करनी है, ऑल्ट डी पी, ऑल्ट डी पी, या फिर मैं इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल पे भी क्लिक कर सकता हूं। मैंने बोला जी ऑल्ट डी पी, ऑल्ट डी पी, ऑल्ट डी पी। फ्रेंड्स अभी यहां पर आप देखेंगे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एन ए दिख रहा है, इसको सॉर्ट करूंगा। ये क्या वजह है बताऊंगा, वजह क्या है बताऊंगा, ठीक है ना, अभी बता दूंगा। और इसको सॉर्ट कैसे करना है वो भी बताता हूं। तो फ्रेंड्स ये मैंने किया, नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट। यहां पूछ रहा है न्यू वर्कशीट एग्जिस्टिंग, मैंने बोला जी एग्जिस्टिंग वर्कशीट मैंने नोट्स की ऑलरेडी बना रखी है, यहां पे बना दो, यहां पर A3 पे, इसको कर दिया मैंने फिनिश, राइट फ्रेंड्स। तो पाइवट फ्रेंड्स जिसको नहीं आते हैं इतना प्रोसेस आप फॉलो कर लेना मेरे साथ। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे चार बक्से नजर आ रहे होंगे, फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू, मैं इसमें से रो और वैल्यू यूज करूंगा, राइट। तो जो भी आइटम मुझे रोज में चाहिए, नेम, ग्रुपिंग, वो सब मैं रोज में ड्रॉप करूंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मुझे चाहिए नोट नंबर, नोट नंबर। सबसे पहले मैंने नोट नंबर क्यों डाला, सो डेट 1, 2, 3 पे मेरी सॉर्टिंग हो, मेरा 1 नंबर का नोट सबसे ऊपर नजर आए। अगर मैं नाम पहले डालता तो सॉर्टिंग किस पे हो जाती, अल्फाबेटिकली नेम पे हो जाती। मैंने जानबूझ के नंबर यहां पर डाला, राइट। देन फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, नोट एंड ग्रुप नेम, नोट एंड ग्रुप नेम फ्रेंड्स मेरा यहां पर आ गया। तो मेरे पास ये नेम भी आ गया और ग्रुप नेम भी आ गया, इसके बीच में आपको डैश लगाना है, इसके बीच में आपको डैश लगाना है। तो आप नोट मैपिंग के अंदर, ये वर्किंग के अंदर, अगर बाय चांस आप लगाना चाहते हो, बता देता हूं तरीका, जहां पर आपने ये स्पेस ऐड किया था, राइट, यहां पर आपने स्पेस ऐड किया था, यहां पर आप एक डैश भी ऐड कर सकते हो। एंटर कर दिया, सब में डैश आ गया। और अपने फ्रेंड्स नोट्स में मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है, और आप देखेंगे यहां पर डैश के साथ आ गया, ठीक है जी, ये मेरा आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे क्या चाहिए, अकाउंट का नेम। तो ये नेम जो है मेरा, ये अकाउंट का नेम है, इसके बाद चाहिए। तो जहां पर भी जितने भी नाम आ रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन किस किस का है, राइट, सन्ड्री क्रेडिटर्स किस किस के हैं, जीएसटी पेबल किस किस का है, वो सब आ गया मेरे पास यहां पर। देन फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर सिंपल अमाउंट फॉर नोट्स जो आ रहा है, स्पेशली नोट्स के लिए हमने बनाया था, इसको मेरे को वैल्यू में ड्रॉप करना है, वैल्यू में। और जैसे मैं फ्रेंड्स वैल्यू में ड्रॉप करता हूं, आप देखेंगे मेरी वैल्यूज यहां पर आ चुकी है। थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लेना फ्रेंड्स, यहां पर क्या हो रहा है देखते हैं। अभी देखो एक नंबर नोट, इसका भी इसने टोटल दिखा दिया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, इसका भी इसने टोटल दिखा दिया, राइट, टोटल दो दो बार दिखा रहा है। ये नोट का मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे उस कैपिटल अकाउंट का टोटल चाहिए, मुझे लोन लायबिलिटी का टोटल चाहिए, सिक्योर्ड का टोटल चाहिए। यहां नोट नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। मेरे इस केस में देखो नोट नंबर नजर नहीं आ रहे यहां पर एक्स्ट्रा, बट ऊपर आप देखेंगे नजर आ रहे हैं, मैंने इनको हाइड किया हुआ है, राइट। तो फ्रेंड्स ये मुझे नहीं देखने हैं, ये मैं हाइड कर दूंगा। मेरे को देखने क्या है, ये राइट, तो इनको मेरे को चाहिए, ये मेरे को जो टोटल है नहीं चाहिए। किसी भी एक आइटम, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, जो नोट जो मुझे नहीं चाहिए ये वाला, इस पर राइट क्लिक करके ये सब टोटल जो आ रहा है नोट नंबर, इसको मेरे को हटा देना है। और इसका यहां से आप देखेंगे सब टोटल चले गए। दूसरा, बाकी आइटम के जितने भी अनसिक्योर्ड का जो टोटल आ रहा है वो ऊपर आ रहा है, मुझे नीचे चाहिए। तो फ्रेंड्स बाकी आइटम के लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल डिजाइन में जाना है, इस टेबल पर क्लिक रखना है, डिजाइन में जाना है, और इसके अंदर सब टोटल्स के अंदर शो ऑल सब टोटल्स एट द टॉप, शो ऑल सब टोटल एट द बॉटम ऑफ ग्रुप, इसको बॉटम को चूज करना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, मेरे जो टोटल है वो नीचे आ गए। अच्छा, एक का टोटल ये फिर ले आया दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट क्लिक करो और इसको हाइड कर दो। एक का मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये टोटल चाहिए, राइट। और मुझे फ्रेंड्स इसके अंदर क्या करना है, मुझे ये एक लिखा है, ये दो लिखा है, ये तीन लिखा है, ये एक्स्ट्रा है, मुझे इसको हाइड करना है। इसको हाइड करने के लिए फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से हाइड करना है कि ये जब भी कोई नया और नोट नंबर आए उसका भी जो हेडिंग में मैं डालूं वो हाइड हो जाए, ठीक है ना।
तो फ्रेंड्स सिंपल आपको क्या करना है, आप देखो इस वन पे जब इस तरह का एरो आएगा, सिंगल एरो ऊपर से आ रहा है, आप इस बॉर्डर पे लाओगे इस तरह का एरो आएगा, इसको सिलेक्ट कर लो। सारे नोट नंबर मेरे सिलेक्ट हो गए जो कि मेरे को हाइड करने हैं, इनको सिलेक्ट करो। होम पे जाके फ्रेंड्स इनका जो फॉन्ट कलर है उसको कर दो व्हाइट, तो मेरा बैकग्राउंड कलर भी व्हाइट है। एक्चुअली गए नहीं है आप ऊपर देखो नजर आ रहे हैं, बट एक्चुअल मेरे ये हाइड हो चुके हैं, मुझे नहीं चाहिए, मैंने हाइड कर दिए। सेकंड मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, जितने भी ये कैपिटल टोटल हैं, जितने भी टोटल हैं उनको हाईलाइट करना है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स अब मैं लेफ्ट हैंड साइड जो टोटल है, जो नॉर्मल आइटम थे उनके ऊपर से आप करोगे तो इस तरह का एरो बनेगा, लेकिन जितने भी टोटल हैं उनके आप इधर लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह का एरो बनेगा। आप ध्यान देना ये एरो मेरा जब इस कॉर्नर पे लाएंगे एरो बनेगा, इसको क्लिक करना है। जितने भी टोटल है वो सब सिलेक्ट हो गए, इस पर जो भी आप फ्रेंड्स कलर करना चाहते हो कलर कर लो, मैंने बोला जी ये कलर कर लेते हैं, ठीक है जी। इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, सेलेक्ट किया मैंने, इसकी फॉर्मेटिंग भी कर दी। डेसिमल नहीं चाहिए, हटा दो डेसिमल, राइट, ये मेरे पास आ गया। और मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, और भी इसके अंदर कुछ करना है फ्रेंड्स। इसके अंदर देखो कंट्रोल पी अगर मैं करूंगा तो ये ब्लू लाइन नजर आ रही है कुछ एक्स्ट्रा, मुझे नहीं चाहिए। तो मैं फ्रेंड्स क्या करूंगा, बेसिकली ये क्यों है, ये पाइवट टेबल की फॉर्मेटिंग है। आपको नहीं चाहिए डिजाइन में जाओ और ये पाइवट टेबल स्टाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लो। ये लो जी आपका सब डिजाइन चला गया, मैंने कंट्रोल पी किया, प्रिंट में देखते हैं इस तरह का आएगा, राइट, इस तरह का आएगा, ठीक है जी। आपको और भी कुछ करना है, मेरा ऊपर जो कैपिटल अकाउंट हेडिंग है जिसमें नोट नंबर भी आ रहा है इसको मेरे को बोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह का जब ऊपर एरो बनेगा, सारे हेडिंग सिलेक्ट हो गए, राइट, होम में जाके मेरे को इसको बोल्ड कर देना है, राइट। इसका कलर भी कुछ करना है लाइट कलर का, आप कलर भी कर सकते हो, बहुत लाइट सा कुछ कलर करना चाहता हूं इस तरह का, राइट। मुझे जितने भी ये नीचे जो टोटल आ रहे हैं इनको भी बोल्ड करना है, इनको सिलेक्ट किया बोल्ड कर लिया। फ्रेंड्स ये इस तरह से सिलेक्ट करने का फायदा ये है कि अब मैं अगर बाय चांस कुछ चेंज आता है राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूं और कुछ नए आइटम ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से मेरे रोज वह ऊपर नीचे हो जाती हैं, ये फॉर्मेटिंग एज इट इज रहेगी, फॉर्मेटिंग एज इट इज रहेगी, क्योंकि मैंने पाइवट टेबल का फीचर्स यूज करके इसको सिलेक्ट किया। तो मेरा पाइवट टेबल ऊपर नीचे मूव होता है, मेरी सेटिंग मूव नहीं होगी। टॉप पे फ्रेंड्स मेरी हेडिंग आ रहा है रो लेवल्स, इसको मेरे को चेंज करना है, क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स और वॉट एवर यू वॉन्ट, यहां पर मुझे लिखना है अमाउंट एफ वाई, जो भी फाइनेंशियल ईयर आप लिखना चाहते हैं, इसको मेरे को बोल्ड करना है, राइट, इसको मेरे को कलर थोड़ा सा डार्क करना है, राइट, मेरे को ये वाला इसको कलर करना है, फॉन्ट का ये कलर रखना है, राइट, इसको मेरे को सेंटर लाइन करना है। ये फ्रेंड्स मेरे फाइनेंशियल्स बन गए। इसको फ्रेंड्स मैं सिंपल व्यू में जाके इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू में देख सकता हूं इस तरह से, तो इस तरह का फ्रेंड्स आपका फाइनेंशियल दिखेगा। और भी आप चाहते हैं कुछ चेंज करना है, अगर आपको पाइवट टेबल के फीचर्स पता है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट। यहां पर फ्रेंड्स प्रिंट प्रिंट करना है आपको, कंट्रोल पी, आप प्रिंट करेंगे, आप बोलते हैं जी हेडिंग मेरा टॉप पे आ रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन जब मैं सेकंड पेज पे जाता हूं तो हेडिंग नहीं आ रहा है, वो भी आप चेंज कर लो, राइट। आप क्या करो फ्रेंड्स सिंपल पेज लेआउट में जाओ, कुछ चीजें बता रहा हूं कुछ चीजें रह जाएंगी, फॉर्मेटिंग भी आप खुद कर लेना, राइट। प्रिंट टाइल्स में जाओ, प्रिंट टाइल्स इसके अंदर फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, इसके अंदर रो टू रिपीट एट टॉप, कौन सी रो टॉप पर रिपीट करनी है प्रिंट के अंदर, मेरे को इस रो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी, ओके, हो गया जी, कंट्रोल पी। अब देखो टॉप पे मेरा ये आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे गया ये आ रहा है, नेक्स्ट पेज पे गया ये, सारे पेज पे टॉप पे मेरा ये रिपीट होगा, राइट। ये काम फ्रेंड्स मेरा हो गया। एक इसके अंदर फ्रेंड्स प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी, यहां पर प्रॉब्लम फ्रेंड्स ये थी कि जो मेरा पी एंड एल है, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये मेरा ग्रुपिंग कुछ नहीं दिखाता, नॉर्मली ये कुछ नहीं दिखाएगा। आप फ्रेंड्स जहां इसको मैप करना चाहते हैं आप मैनुअली इसको मैप कर लीजिए, ये एक काम आपको इसको मैनुअली मैप करने का करना है। मैंने इसको कॉपी किया, मैं कैपिटल में ले जाता हूं इसको, और मैंने इसको यहां पर ऐड कर दिया, ठीक है जी, ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद मैंने इसको सिंपल राइट क्लिक रिफ्रेश, और आप देखो पी एंड एल मेरा यहां पर ऐड हो गया और नीचे तक लाइन खिसकी, लेकिन मेरा फॉर्मेट नहीं हिला। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई, मैंने इसकी विड्थ बढ़ाई थी, जब मैंने राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया तो विड्थ कम हो गई। सिंपल राइट क्लिक करो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और यहां पर एक ऑप्शन आता है पाइवट टेबल ऑप्शंस, पाइवट टेबल ऑप्शंस पे फ्रेंड्स मैंने क्लिक किया, और यहां पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन आता है ऑटो फिट, इसको हटा दो, ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, हटा दो, ओके। अब मेरे को कॉलम की जो विड्थ रखनी है रख लूं, सेटिंग कर लेता हूं, लो जी राइट क्लिक और रिफ्रेश, मेरे कॉलम नहीं हिलेंगे। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अवेलेबल है फ्रेंड्स, सब चीजों के फुल्ली फाइनेंशियल्स ऑटोमेट कर सकते हो। वन टाइम ये चीजें कर रहा हूं, अभी आपको दिखाऊंगा, दोबारा अपडेट करूंगा, नए अकाउंट ऐड करूंगा, बट मेरे को मेहनत नहीं करनी उसके लिए, रिफ्रेश से काम होगा, राइट फ्रेंड्स।
तो नोट्स मैंने कर लिए, मेरे नोट्स फ्रेंड्स क्रिएट हो चुके हैं, उसके बाद फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, बैलेंस शीट और पीएनएल बनाने हैं। बैलेंस शीट और पीएनएल के लिए फ्रेंड्स अपना फॉर्मेट क्रिएट कर लेना, जो फॉर्मेट कुछ लोग हॉरिजॉन्टल कुछ लोग वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में फ्रेंड्स आप ऊपर अपनी एसेट लायबिलिटीज करके बनाते हो, लायबिलिटीज एसेट वैसे बना सकते हो, या आप ऊपर भी बना सकते हो कि ऊपर अपने लायबिलिटीज देन एसेट। तो फ्रेंड्स ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, आप वर्टिकल फॉर्मेट जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट आपका होगा। आपने फॉर्मेट अपने ले आए, ये फॉर्मेट आपने टोटल वोटल लगा लिया कि क्या आइटम सम होंगे, राइट। तो आपने ये यहां पर कर लिया, पी एंडल ये यहां पर कर लिया। फ्रेंड्स जो ये वाला फॉर्मेट है पी एंडल बैलेंस शीट का, किसी को ये यूज करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा, ये एज इट इज आपको दे दूंगा बना बनाया, ठीक है जी। किसी को ये यूज करना है कर लेना, आपके कुछ नए आइटम है इसमें ऐड करने ऐड कर लेना, ठीक है, और इन सम को जो है अपडेट कर लेना। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, बैलेंस शीट पी एंडल इसमें नंबर लेके आने, फाइनल स्टेप है बिल्कुल मेरा। इसके लिए फ्रेंड्स मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि कल को मेरे अगर इसके अंदर नंबर चेंज हो, मैं वर्किंग में नए नंबर लेकर आऊं, तो यहां पर फ्रेंड्स मेरे ये फॉर्मूले ऑटोमेटिकली चलते रहे, राइट। मेरी अगर कॉलम भी में मेरे नीचे आइटम भी बढ़ जाए तब भी मेरा काम करता रहे, उसके लिए फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, आप सम इफ या सम इफ एस यूज करना, और पूरी रेंज के साथ, पूरी रेंज के साथ क्या कह रहा हूं, पूरी रेंज के साथ बताता हूं। सम इफ एस इक्वल टू एस यू एम आई एफ एस, सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट, सम इफ एस क्या पूछ रहा है, सम रेंज। जिसको सम इफ एस नहीं पता है प्लीज अलग से एक बार मेरा वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसको प्लीज देख लेना, बट अभी के लिए जितना चाहिए बता रहा हूं, इसको फॉलो करोगे तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। सम इफ एस सम रेंज, कहां से सम चाहिए, मैंने बोला जी वर्किंग में यहां से सम चाहिए, मैंने बोला जी वर्किंग में यहां से सम चाहिए, राइट, ठीक है जी। यहां से अब आप बोलोगे नोट से क्यों नहीं लाया, नोट से नहीं लेके आना फ्रेंड्स, यहीं से लेकर आना है, यहीं से लेकर आना है। उसका रीजन बता देता हूं, नोट्स के अंदर सब कुछ पॉजिटिव है, नोट्स के अंदर सब कुछ पॉजिटिव है। यहां पर अगर आप, मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पर अगर नोट्स के अंदर एक सेकंड, नोट्स वर्किंग, यहां पर नोट्स एबीएस करके जो हमने बनाया था, इसका आप जब टोटल करोगे, इसका जब आप टोटल करोगे, तो फ्रेंड्स नीचे टोटल ध्यान देना, इसका सम जीरो नहीं हो रहा है, नीचे स्क्रीन पर आप ध्यान देना, सम जीरो नहीं हो रहा है। इसके केस में फ्रेंड्स सम जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप बोलोगे यहां भी नहीं हो रहा, उसका रीजन बता देता हूं क्यों नहीं हो रहा। एक्चुअली ये सम जीरो है, जीरो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, इसके अंदर करंट पीरियड का जो प्रॉफिट है वो ऐड हो गया है, वो ऐड हो गया है। आप यहां से पी एंड एल आइटम हटा दो और फिर सम करके देखो, जीरो हो जाएगा। देखो यहां से आप क्या करो, पी एंड एल आइटम उठा दो, जैसे मैंने फिल्टर के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम ये हटा दिया, सब बैलेंस शीट आइटम बचे, ओके। तो देखो जी यहां पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी आ रहा है। अब मैं इसका अगर सम करूंगा तो क्या आ रहा है फ्रेंड्स, नीचे सम जीरो। एक्चुअली ये बैलेंस शीट जीरो है, क्योंकि सारे डेबिट नेगेटिव, सारे क्रेडिट पॉजिटिव, डेबिट राइट, डेबिट क्रेडिट नेगेटिव पॉजिटिव एड होके जीरो हो गए। यहां मेरा चेक मिल जाता है बैलेंस शीट के अंदर कि हां मेरी बैलेंस शीट जीरो हो गई है। अगर आप लोग चाहो यहां से भी लगा लेना, बट मैं यहां पर ज्यादा कंफर्टेबल हूं, राइट। मैं फॉर्मूले यहां से लगाऊंगा, बट क्या करूंगा, वहां पर फॉर्मूले में माइनस का साइन यूज कर लूंगा, राइट। तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, कैसे अभी करूंगा, राइट। नोट्स के अंदर तो मैं पॉजिटिव ही लेके गया हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है, नोट्स में तो कोई नेगेटिव नंबर आ ही नहीं रहा है, राइट। तो मैंने फ्रेंड्स यहां पर क्या करना है, मेरे को वर्किंग में इससे लिंक करना है, राइट। और यहां पर फ्रेंड्स इस चीज को मेरे को माइंड में रखना है कि पीएनएल के अंदर मेरा करंट पीरियड का जो प्रॉफिट है ऑलरेडी एडेड है, राइट। इसको मिला के मेरी जीरो हो रही है, राइट, इसके अंदर क्योंकि प्रॉफिट एडेड है, राइट। चलो जी इसको ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली जो ये डिफरेंस आ रहा है नीचे, जो भी डिफरेंस आ रहा है नीचे, वो मेरा करंट पीरियड का प्रॉफिट है, क्योंकि ओपन करने के बाद जब मैं इसको सम करता हूं तो प्रॉफिट दो बार ऐड हो रहा है, राइट। चलो जी फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट सम रेंज, सम रेंज मेरी वर्किंग से फ्रेंड्स आए और वर्किंग से मैं बैलेंस से लाऊंगा, ठीक है जी, कोमा कोमा, राइट। देन मुझे क्या देना है, क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन किसके बेसिस पे मेरा सम लगेगा, मैंने बोला जी इस पेरेंट के बेसिस पे सम लगेगा, राइट। इस पेरेंट को सिलेक्ट कर लिया, एंड फ्रेंड्स ध्यान देना मैं पूरे कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूं, पूरे कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूं, कोमा एंड देन क्राइटेरिया वन, जो भी पेरेंट है, राइट, ये मुझे कहां मिलेगा, मैंने बोला जी इसी बैलेंस शीट में, ये कैपिटल अकाउंट है, राइट। ब्रैकेट को किया क्लोज, एंटर, लो जी नंबर आ गया, पॉजिटिव नंबर आया है, क्योंकि सारे क्रेडिट पॉजिटिव है। मेरे को दिक्कत कहां आएगी, डेबिट में, एसेट साइड में, वहां पर मैं सम इफ के अंदर स्टार्टिंग में माइनस यूज करूंगा, राइट। कॉपी किया मैंने इसको और नीचे इसको पेस्ट कर दिया, राइट। सेम वे मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, मैंने इसको यहां पर कॉपी किया और यहां पर इसको पेस्ट कर दिया, राइट फ्रेंड्स। सेम वे फ्रेंड्स मैंने यहां पर इसको
पेस्ट कर दिया, कॉपी किया और इसको मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। एंड फ्रेंड्स यहां पर क्योंकि आप देखोगे बैलेंस आ गया नेगेटिव, क्योंकि सारे डेबिट बैलेंस उसमें नेगेटिव दिख रहे हैं। तो फॉर्मूले में स्टार्टिंग में बस मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में सम एफ से पहले मुझे माइनस लगा देना है जितनी भी एसेट है। ऐसे ही सेम पी एंड एल में जो एक्सपेंस है वो डेबिट होंगे, वहां भी नेगेटिव दिखेगा, उनमें भी माइनस लगा देना, ठीक है जी। और बाकी कुछ नहीं करना आपको, कॉपी कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट। एंड फ्रेंड्स आप देखेंगे मजे की बात, मैंने यहां पर फॉर्मूला लगाया हुआ है एसेट माइनस लायबिलिटीज, ये मेरी जीरो हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। अब आप थोड़ा सा किसी के माइंड में आ सकता है कि यहां पर मैं अभी करंट पीरियड का प्रॉफिट तो लेकर आया ही नहीं, फिर जीरो कैसे हो गया। फिर सिंपल है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, करंट पीरियड का प्रॉफिट ऑलरेडी, करंट पीरियड का प्रॉफिट ऑलरेडी मेरे इस पीएनएल में है और ये पीएनएल मेरा कैपिटल अकाउंट में मैप है, राइट। तो यहां जो कैपिटल अकाउंट में नंबर आ रहा है उसके अंदर वो करंट पीरियड का प्रॉफिट भी चला गया है। किसी को अगर ये अलग से दिखाने हैं तो वो मैपिंग वर्किंग के अंदर, ये नोट्स वर्किंग में अलग से कर सकते हैं और वो मैपिंग में यहां पर भी उठा सकते हैं। रिटेन्ड अर्निंग के नाम से दिखाना है, रिजर्व में दिखाना है, जो भी दिखाना है आप मैपिंग चेंज करके कर लेना उसको। मेथड मैंने आपको बता दिया। सेम वे फ्रेंड्स मुझे पी एंड एल के अंदर भी लगा देने हैं फॉर्मूले, सेम वे मुझे पी एंड एल के अंदर भी फॉर्मूले लगा देने हैं, राइट फ्रेंड्स। तो सेम वे मैं यहां पर भी फॉर्मूला लगाता हूं, फटाफट से फॉर्मूले लगाते हैं, इक्वल टू सम इफ एस। अभी फ्रेंड्स मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा ऑटोमेटिकली कैसे चेंज होगा, राइट। सम इफ एस ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज वर्किंग पे आया, सम रेंज मेरी नॉर्मल बैलेंस लेना है, मेरे को एब्सोल्यूट वाला नहीं लेना है, कोमा, देन मेरा क्या पूछता है क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज मेरा पेरेंट, कोमा, एंड देन मेरे को क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मेरा पी एंड एल के अंदर इसके बेसिस पे लगाओ, एंटर, राइट। ये मेरा आ जाता है, ये मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, राइट। ये जिसमें अमाउंट नहीं है वो अमाउंट मेरा यहाँ नहीं आ रहा है। अभी नोट नंबर भी बताने हैं मुझे, नोट नंबर कैसे आए हैं, राइट। ये मेरे यहाँ पर आ गए, एंड देन ये मेरा यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, राइट। और भी कुछ कहीं रहता है तो वो आप लगा सकते हैं फॉर्मूले, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। अच्छा ये नेगेटिव आ रहा है एक्सपेंस में, आपको नेगेटिव आ रहा है क्योंकि डेबिट नेगेटिव में दिखेगा, इसको आपको चेंज कर लेना है माइनस में और इसको कर देना है, राइट। सेम यहाँ पर भी फ्रेंड्स मेरा एक्सपेंस है, इसको भी मेरे को नेगेटिव कर लेना है, नेगेटिव। कितने का आया फ्रेंड्स प्रॉफिट, 12,36,757। कैसे पता चला मुझे 12,36 बिल्कुल ठीक आ रहा है, वर्किंग के अंदर अगर मैं इसका टोटल करूं तो आप देख लो नीचे 12,36 ही आ रहा है। ये वही अमाउंट है जो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडेड है, तो दो बार आ गया इस सम के अंदर, इसीलिए इतने अमाउंट से मेरा आउट हो गया। बट इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पी एंड एल में 12,36 आ रहा है और बैलेंस शीट में मेरा पी एंड एल अकाउंट के थ्रू आ गया, राइट फ्रेंड्स। तो मेरा फ्रेंड्स ये टैली हो गया फाइनेंशियल्स, राइट। अब फ्रेंड्स सपोज मेरा इसके अंदर कोई चेंज आ जाता है, बाकी ग्रुपिंग से रिलेटेड कोई चेंज करनी है फ्रेंड्स वो आप अपने हिसाब से कर लेना। मान लो फ्रेंड्स अब इसके अंदर कोई चेंज आ गया, चलो टैली पे चल के कुछ चेंज करते हैं। सबसे पहले कोई बैलेंस देख लेते हैं किसमें चेंज, नोट्स में चलते हैं। राकेश का 1,00,000 रुपए का बैलेंस है, इतना ध्यान रखना, राकेश का 1,00,000 रुपए का बैलेंस है, राइट। राकेश का 1,00,000 रुपए का बैलेंस है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा सा येलो हाईलाइट कर देता हूं, येलो, ठीक है जी, येलो हाईलाइट कर दिया। एक डेबिट साइड ले लेते हैं, कार का मेरा 3,17,000 रुपए का बैलेंस है। कुछ उल्टी सीधी एंट्री मारूंगा बस आपको दिखाने के लिए, राइट। एंट्री का कोई लॉजिक नहीं होगा बट आपको दिखा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, कार को 1,00,000 रुपए से और डेबिट करूंगा और राकेश को 1,00,000 से क्रेडिट करूंगा, ठीक है जी। तो कार और राकेश, चलो जी चलते हैं हम अपने फाइनेंशियल्स में। यहां पर आया फ्रेंड्स और मैं यहां पर बैलेंस शीट के अंदर जो मेरा ये वाला अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, ये लोन के अंदर मेरा अनसिक्योर्ड के अंदर ये राकेश का बैलेंस है। राकेश के अंदर फ्रेंड्स ये 1,00,000 का बैलेंस आपको दिख रहा है जो मैं अभी लेकर गया हूं, राइट। इस बैलेंस को मेरे को मैंने एक एंट्री पास करनी है। एंट्री क्या पास करनी है मुझे, कार को मुझे डेबिट करना है, राइट। और मुझे क्या करना है, राकेश को मुझे क्रेडिट करना है 1,00,000 से, राइट। 1,00,000 से राकेश का बैलेंस 2,00,000 रुपए हो गया। अब सिंपल फ्रेंड्स मुझे इसके लिए क्या करना है, फाइनेंशियल्स में वापस आया सबसे पहला काम, तो मुझे सिंपल फ्रेंड्स क्या करना है, अब यहां आके राइट क्लिक, रिफ्रेश, डन, फिर क्लीन डेटा जो था जिसमें मैंने नल और जीरो डाल दिए थे, राइट क्लिक, रिफ्रेश, डन। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, वर्किंग के अंदर क्योंकि मैं मैनुअली लेकर आया था तो वर्किंग के अंदर मुझे सिंपल इस डेटा को कॉपी करना है, और यहां पर फ्रेंड्स मेरे को इसको पेस्ट कर देना है, फ्रेंड्स। लेकिन यहां पर एक इशू आएगा, मैंने आपको याद होगा पीएनएल का जो आइटम है, राइट, पीएनएल की मैंने मैपिंग मैनुअली चेंज की थी, यहां पर
ये दोबारा से वैसी हो जाएगी तो मेरे को इसको वापस करना पड़ेगा, या मैं यहां पर वी लुकअप लगा के केवल नंबर उठा लूं, वी लुकअप लगा के नंबर उठा लूं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं, मैंने नंबर पेस्ट कर दिए, और जो ये मैपिंग दोबारा ठीक करनी है वो मैं एक बार ठीक कर देता हूं, कैपिटल अकाउंट को यहां पे कॉपी और यहां पर मैंने पेस्ट। एक पीएनडल में ये दिक्कत करेगा और किसी में नहीं करेगा आपको, ठीक है। अब मेरे को फ्रेंड्स क्या करना है, नोट्स में आया, फिर राइट क्लिक और रिफ्रेश। सी फ्रेंड्स, राकेश 2 लाख, कार 4,17,000, और मेरा बैलेंस शीट टैली है, बैलेंस शीट मेरी मैच है, बैलेंस शीट मेरी मैच है, क्योंकि बैलेंस शीट में नंबर कहां से उठा, मेरा वर्किंग से, राइट, मेरा टैली है। इवन फ्रेंड्स मेरा कोई नया अकाउंट ऐड हो जाता है, जैसे अनसिक्योर्ड लोन में मैं एक नया अकाउंट ऐड कर देता हूं, राकेश, सुनीता, एक महेश करके एक नया नाम ऐड कर देते हैं। दोबारा चलते हैं टैली के अंदर, फ्रेंड्स नया अकाउंट ऐड करेंगे, राइट। टैली के अंदर मैं गया और टैली के अंदर जाके फ्रेंड्स मैंने एक और एंट्री पास करनी है, राइट, जिसके अंदर मैं कार को करूंगा डेबिट, फिर से कार को मैं 1 लाख से, कार का 1 लाख से और बढ़ाते हैं, लेकिन अब मुझे क्रेडिट राकेश को नहीं करना, महेश को करना है। महेश मैं देखता हूं, महेश मेरे पास है नहीं, मैं महेश का लेजर क्रिएट कर लेता हूं। महेश कहां पर करना है, अनसिक्योर्ड में मेरे को, राइट, अनसिक्योर्ड लोन्स में, राइट। तो महेश 1 लाख, एंट्री डन, राइट। वापस आते हैं, सेम वे फ्रेंड्स, राइट क्लिक, रिफ्रेश, राइट, देन जो मेरा क्लीन डेटा है, राइट क्लिक, रिफ्रेश, ये भी रिफ्रेश हो गया। यहां से मेरे को डेटा को कॉपी करना है, आप देखेंगे फ्रेंड्स एक लाइन यहां पर एक्स्ट्रा हो चुकी है क्योंकि यहां पर महेश भी आ गया है, रिफ्रेश, राइट। और मेरे को सिंपल नोट्स की वर्किंग जो है, राइट, वर्किंग जो है यहां पर आया फ्रेंड्स, और मैं Alt+S+V पेस्ट वैल्यू किया, एंड फ्रेंड्स इस क्योंकि मैंने टेबल क्रिएट किया इसलिए लास्ट तक फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ड्रैग हो गया, राइट। अगेन जहां पर NA आ रहा है, कहां पर आ रहा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, इसको फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, केवल सिंपल करंट अकाउंट दोनों, इसकी मैपिंग उठा के लानी है और यहां पर फ्रेंड्स मेरे को मैपिंग को पेस्ट कर देना है, बस डन। नोट्स में आया, राइट क्लिक, अब ध्यान देना फ्रेंड्स यहां पर राकेश है, महेश नहीं है, और ये 4:17 है नीचे, राइट, रिफ्रेश, सी यहां पर महेश आ गया, यहां पर मेरा 5:17 हो गया, मेरे नोट्स फ्रेंड्स सारे अपडेट हो गए, मेरी पीएनडल मेरा 12:36 क्योंकि मैंने एंट्री जो पास की थी बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट की है इसलिए उतना ही प्रॉफिट दिख रहा है, और बैलेंस शीट फ्रेंड्स मेरी मैच है, राइट फ्रेंड्स। बस आपको ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि आपको एक बार अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट डेवलप कर लेना है जैसे मैंने किया। जितने आपको लगता है कि आपके हेडिंग्स हो सकते हैं फ्रेंड्स यहां पर हो सकता है आपको कुछ मिसिंग नजर आए क्योंकि एक मैंने एक सैंपल फॉर्मेट क्रिएट किया है। आपको लगता है कि कैपिटल रिजर्व और भी कुछ आपको यहां पर चाहिए होता है वैसे, राइट, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग क्रिएट कर लेंगे जो मैक्सिमम लोगों को जरूरत होती है, राइट। और नोट्स के अंदर फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, नोट्स मैपिंग के अंदर जितनी भी मेरी ग्रुपिंग है जो बैलेंस शीट पीएनएल के फेस पे नजर आती है उन सबको मुझे यहां पर ले लेना है वन टाइम, क्योंकि फ्रेंड्स मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट डेवलप कर रहा हूं, एक ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो मेरा सारी कंपनीज के लिए काम आएगा, मेरे को बार बार किसी के लिए नहीं बनाना, और आगे वाले आने वाले सालों में, आने वाले ईयर्स में भी काम आएगा। अगर कुछ छोटे मोटे चेंजेस आएंगे तो वो मैं इसमें इंप्लीमेंट कर दूंगा, एंड फ्रेंड्स अगर मैंने इसको तरीके से कर लिया मेरे नए अकाउंट अगर क्रिएट होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, मेरा नया अकाउंट भी अगर क्रिएट होता है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी ग्रुपिंग प्रॉपरली डिफाइंड है तो उसके अंडर आ जाएगा, नंबर यहां पर अपडेट हो जाएंगे। लेकिन किसी रीजन से अगर आपकी ग्रुपिंग में कोई चेंज होता है तो आपको सिंपल ग्रुपिंग में चेंज करने के लिए नोट्स की मैपिंग में और बैलेंस शीट के पीएनएल में, राइट, उनके नाम चेंज कर लेने हैं, राइट, वो वन टाइम आपके चेंज होंगे रेयरली, राइट फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे नोट्स के बारे में, नोट्स फ्रेंड्स कैसे आएंगे नोट नंबर। कुछ जगह पर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे नोट नंबर ऑलरेडी आ रखे हैं, मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, बट कुछ जगह पर आप देखेंगे यहां आ रहे हैं बट कुछ जगह मैंने छोड़ दिए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं नोट्स लेके कैसे आऊंगा, राइट। नोट्स लाने का भी फ्रेंड्स सिंपल तरीका है, फ्रेंड्स नोट्स लेके कैसे आऊंगा, अभी नोट्स के अंदर एक इशू है, वो इशू भी आपको दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी यहां पर दूंगा, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है मैक्सिमम ऑटोमेशन, राइट, 100% तो देखो ऑटोमेशन नहीं हो रही है इसके अंदर, इन एनी केस कुछ चीजें बीच में मैनुअल है, जो कंस्ट्रेंट है वो हमें करने हैं फ्रेंड्स, राइट, उसके साथ आगे बढ़ना है, बट यस मैक्सिमम पॉसिबल ऑटोमेशन इसके अंदर करवाऊंगा, जिसमें एक नोट्स की भी है कि नोट्स भी फ्रेंड्स ऑटो नंबर्ड होंगे और यहां पर आपके ऑटोमेटिकली आएंगे। क्या करना है नोट्स लाने के लिए फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा इस वीडियो के अंदर हमने नोट्स मैपिंग के अंदर ये नोट नंबर डाल रखे हैं और इन्हीं नंबर को मैं वर्किंग के अंदर यहां नोट नंबर ले गया, राइट। अब मुझे सिंपल फ्रेंड्स काम क्या करना है, इस बैलेंस शीट में यहां पर
VLOOKUP का फंक्शन यूज करना इक्वल टू BLOOKUP VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट VLOOKUP, आई होप सबको पता होगा, नहीं पता है ऑलरेडी मैंने बताया था, वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा राइट। मेरे को लुकअप वैल्यू इसके बेसिस पे लाओ, कैपिटल अकाउंट का क्या नोट नंबर होगा, कोमा टेबल अरे कहां पर मिलेगा मुझे नोट नंबर। एक तरीका ये है फ्रेंड्स, मैं नोट मैपिंग से उठा लूं, बट आप मैपिंग से मत उठाना, आप वर्किंग से उठाना राइट। वैसे मैपिंग से भी उठाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, बट वर्किंग से इसलिए मैं उठवा रहा हूं क्योंकि जो भी नोट नंबर फाइनली मैं यूज करने वाला हूं वही यहां पर आ रहे हैं राइट। तो मैं यहां से उठा लूंगा पेरेंट से नोट नंबर तक राइट, पेरेंट के बेसिस पे लग रहा है नोट नंबर तक राइट। तो कोमा लगाया मैंने, सेलेक्ट किया कोमा लगाया, एंड देन मेरे को कॉलम इंडेक्स नंबर बताना है, कॉलम नंबर 1 2 नोट नंबर 3। तो मेरा ये 3 नंबर का कॉलम है, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये फ्रेंड्स देखेंगे कैपिटल अकाउंट का नोट नंबर आ गया, इसके नीचे मैंने पेस्ट किया मेरा एनए आ गया। एनए क्यों आ गया, क्योंकि ये रिजर्व एंड सरप्लस, ये रिजर्व एंड सरप्लस फ्रेंड्स मेरी वर्किंग में पेरेंट में कोई आई नहीं रहा है, मेरी ग्रुपिंग में यूज हुआ ही नहीं है। जब यहां यूज नहीं हुआ है तो ये यहां पर एनए दिखाएगा। इसको हैंडल करने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, अपने फॉर्मूले के अंदर स्टार्टिंग में एक इफ एरर का फंक्शन होता है, इफ एरर मतलब अगर एरर आता है तो क्या करना है राइट। इफ एरर राइट, ब्रैकेट लगाया मैंने और लास्ट में आके फ्रेंड्स राइट, लास्ट में आके कोमा लगाया और उसको बताना है कि अगर एरर आया तो क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर एरर आया तो क्या करना है, कोमा एरर बताओ, एरर आया तो ब्लैंक दिखा दो। मैंने दो बार डबल इन्वर्टेड कोमा यूज किया, दो बार डबल इन्वर्टेड कोमा मतलब ब्लैंक, ब्रैकेट को क्लोज किया एंटर किया राइट। अब इसको मैं नीचे कॉपी करूंगा तो यहां नहीं है, जीरो आ जाएगा राइट, मतलब ब्लैंक आ जाएगा। देन फ्रेंड्स जहां जहां मेरे जो जो मेरी फ्रेंड्स ग्रुपिंग यूज हुई है राइट, जहां जहां मेरी ग्रुपिंग यूज हुई है मैं सब जगह इसको पेस्ट कर दूंगा, जहां नंबर नहीं आ रहा है वहां पे भी मुझे पेस्ट करना है, क्योंकि कल को अगर यहां नंबर आता है तो फिर यहां मेरी ग्रुपिंग, यहां मेरा नोट आएगा। अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट आ रहे होंगे, मेरे हिसाब से मैं अभी क्लियर करने वाला हूं राइट। यहां डाउट शुरू हो जाएंगे नोट नंबर को लेकर। मैंने पेस्ट किया तो यहां पर 4-5 आ गया राइट। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या किया, 4-5 यहां पर भी मैंने, यहां पर भी मैंने इसको पेस्ट किया, यहां पर फिक्स एसेट्स में 6 आ गया और यहां 7 आ गया राइट। तो ये फ्रेंड्स 1 2 3 बिल्कुल ठीक चल रहा है मेरा राइट। तो इस तरह से नीचे के फॉर्मूले फ्रेंड्स ऑलरेडी सेम मैंने लगाए हुए हैं, सेम P&L में भी मैंने अपने फॉर्मूले लगाए हुए हैं। प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, काफी लोगों को हो सकता है वो प्रॉब्लम माइंड में आ चुकी हो। प्रॉब्लम यहां पर फ्रेंड्स सबसे बड़ी ये है कि यहां पर मेरे ये ब्लैंक आ रहे हैं राइट, यहां पर मेरे ब्लैंक आ रहे हैं प्रोविजन, क्यों, क्योंकि ये मेरा प्रोविजन यहां पर है ही नहीं वर्किंग में, और इवन नोट की मैपिंग में भी मैंने कोई प्रोविजन लिया ही नहीं है। आप यहां पर प्रोविजन देखेंगे, लिया ही नहीं है, मतलब मैंने यहां पर आइटम वही लिए जिनमें नंबर है। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि स्टैंडर्ड मैपिंग क्रिएट करो, एक स्टैंडर्ड फाइल क्रिएट करो विद मैक्सिमम ग्रुपिंग जो आप यूज कर सकते हो। तो मैं कहता हूं जी ये भी मुझे इसमें इंक्लूड कर लेनी चाहिए, मैंने कहा जी बिल्कुल इंक्लूड कर लेनी चाहिए, आप ये भी इसमें इंक्लूड करो, नंबर आए नहीं आए, अभी नंबर है या नहीं है डजंट मैटर, आप सब कुछ इसमें इंक्लूड करो, बट उनको इंक्लूड करते ही एक प्रॉब्लम आएगी और उसको सॉल्यूशन देता हूं। क्या प्रॉब्लम आएगी फ्रेंड्स, एक शीट अनहाइड कर रहा हूं, ऑलरेडी मैंने क्रिएट की हुई है, ये 4 मैपिंग ऑलरेडी जो येलो के अलावा है वो इस मैपिंग में आ रहे हैं, मैंने इसमें 4 आइटम ऐसे ऐड कर दिए जो नंबर इसमें नहीं है, अदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रोविजन अदर करंट लायबिलिटीज। आप देखोगे फ्रेंड्स इसके अंदर नंबर नहीं है इनके राइट, अदर लॉन्ग टर्म नंबर नहीं है राइट, इसके अंदर शॉर्ट टर्म नंबर नहीं है राइट, प्रोविजंस अदर करंट लायबिलिटीज नंबर नहीं है राइट। नंबर नहीं है तो नोट मैपिंग में मैंने यहां पर इसको इंक्लूड भी नहीं किया, लेकिन आइडली मुझे स्टैंडर्ड लिस्ट बनानी चाहिए। तो मैंने कहा फ्रेंड्स कि स्टैंडर्ड लिस्ट बना लेते हैं, मैंने कॉपी किया और इसको फ्रेंड्स यहां पर मैंने ये पेस्ट कर दिया राइट। तो मैंने यहां पर कुछ ऐसे आइटम ऐड कर दिए जिनमें नोट नंबर तो दे दिया बट एक्चुअली यहां नंबर तो है ही नहीं। और जैसे ही फ्रेंड्स मैंने वहां पर ऐड किया राइट, जैसे ही मैंने इसको ऐड किया और यहां पर मैंने फ्रेंड्स इसमें नोट नंबर दिए, ये नोट नंबर 4-5 राइट सीक्वेंस में दिए, तो क्या हुआ, मेरे जो वर्किंग है वर्किंग के अंदर, क्योंकि ये 4 येलो आइटम है ही नहीं, तो ये जो नोट नंबर है ये मेरे वर्किंग में नहीं गए होंगे, तो मेरे नोट नंबर में जो मेरी जो वर्किंग है उसमें नोट नंबर क्या हो गया होगा 3, 3 के बाद क्या गया होगा 6-7 फिर 10-11 ऐसे पहुंचा होगा, यानी नोट नंबर 4-5 मिसिंग है, 8-9 मिसिंग है। और यही प्रॉब्लम आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगी, नोट नंबर 1-2-3-4-5 मिसिंग। किसका है 4-5, इसका नंबर नहीं है इसलिए लेकर नहीं आया, 4 इसका है, 5 इसका है, 6-7 आ गया, 8 और 9 मिसिंग क्योंकि इसका था राइट, 8 और 9 इसका था, ये क्योंकि मेरी वर्किंग में आ नहीं रहा है इसलिए यहां पर इसने उसको उठाया नहीं।
अब ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे को नोट नंबर चाहिए सीक्वेंस में, 3 के बाद यहां 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। फ्रेंड्स ये तो गड़बड़ हो गया, प्रॉब्लम हो गई। कैसे सॉर्ट करना है फ्रेंड्स इसको, कैसे सॉर्ट करना है इसका, सिंपल सा फ्रेंड्स, ये 10 और 7 आ रहा है, कुछ मेरे नोट नंबर ऊपर नीचे लिख गए होंगे, उसको इग्नोर करना, बट प्रॉब्लम आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है। सॉल्यूशन फ्रेंड्स इसका सिंपल ये है कि आपको जो नोट की मैपिंग है यहां पर कुछ इस तरह से काम करना है कि मेरे जिसमें भी अमाउंट है उसके नोट नंबर जनरेट हो, बाकी के जनरेट ही ना हो, डायनामिकली। अभी मैंने इसको टाइप किया है 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, ये दो मेरे है ही नहीं, इनमें क्यों 4 5 आ रहा है, 4 5 यहां चला जाना चाहिए, राइट। क्या करना है फ्रेंड्स मुझे यहां पर, फ्रेंड्स मुझे सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है, इक्वल्स टू सम इफ एस, सम इफ एस मैंने लगाया, और सम इफ एस से मैं क्या लेके आऊंगा, किस ग्रुप में अमाउंट है किस में नहीं है ये आइडेंटिफाई करूंगा। तो किस ग्रुप में अमाउंट है नहीं है वर्किंग से निकाल लेते हैं, राइट। वर्किंग में गया और सम उठा लिया मैंने यहां सर नोट से, पॉजिटिव वैल्यू जितनी भी आ रही है वहां से उठा लिया, राइट, एब्सोल्यूट वैल्यू जो मैंने निकाली थी, कोमा लगाया। देन क्या मांगता है ये, क्राइटेरिया रेंज, राइट। यहां देखें क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड्स, मेरा पेरेंट, इसके बेसिस पे सम निकालना है, कोमा। देन क्राइटेरिया मेरा क्या है, क्राइटेरिया मेरा है नोट्स की मैपिंग में ये अमाउंट, ये राइट, ये ग्रुपिंग, राइट, ये मेरा जो पेरेंट है बेसिकली। कॉपी किया मैंने इसको और नीचे तक फ्रेंड्स मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आपने देखा इनमें कोई अमाउंट ही नहीं आ रहा है, आपने देखा इनमें कोई अमाउंट ही नहीं आ रहा है। अब मुझे चाहिए एक ऐसा फॉर्मूला कि यहां नोट नंबर जनरेट ना हो, 4 5 यहां जनरेट हो, क्योंकि मेरे को फुल्ली डायनेमिक फाइल क्रिएट करनी है, नोट नंबर भी ऑटो जनरेटेड हो। तो फ्रेंड्स यहां पर आप दो काम कर सकते हो, जिसको एक्सेल बहुत अच्छा आता है वो यहीं पर इफ का फंक्शन यूज करेंगे, यहीं पर इफ का फंक्शन यूज करेंगे, पहले अलग से लगा देता हूं फिर यहां पर मिक्स करके भी बता दूंगा कैसे होगा। जिनको एक्सेल नहीं आता है, जिनको एक्सेल नहीं आता है वो क्या करेंगे, जिनको एक्सेल नहीं आता है वो यहां पर अलग से लगाएंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट, राइट, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और इफ दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तभी नंबर जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो नंबर जनरेट होगा वरना नहीं होगा। तो मैंने कहा इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 तब क्या लेके आओ 1, तब क्या लेके आओ 1 1, एल्स क्या लेके आओ, मैंने कहा जी एल्स कुछ नहीं चाहिए, ब्लैंक छोड़ दो, डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार लगा दिया, ब्रैकेट को किया क्लोज, एंटर, राइट। अगर मैं इसको नीचे तक फ्रेंड्स कॉपी करूं तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, सब में 1 1 आ रहा है, क्यों, जहां पर भी नहीं है वहां ब्लैंक दिखा रहा है, लेकिन जहां पर भी है वहां 1 दिखा रहा है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ये मैंने क्या दिया कि जहां पर भी ये ग्रेटर देन 0 है 1 कर दो, तो मैंने कहा यार इस 1 से काम नहीं चलेगा, इसको करो डिलीट, इसमें क्या करो ऊपर वाली जो भी वैल्यू है, राइट, ये जो D है D1 प्लस इसके अंदर 1 कर दो, ऊपर वाले में 1 ऐड कर दो, एंटर किया, इससे फायदा क्या होगा, ऊपर देखो ब्लैंक है इसलिए 1 दिखाया, लेकिन जब मैं इसके नीचे कॉपी करूंगा तो ये 2 कर देगा क्योंकि ऊपर नंबर है। अगर इसमें वैल्यू है, राइट, इसमें अगर वैल्यू है सी में तो यहां पर 2 दिखाओ, इसको मैंने नीचे पेस्ट किया, यहां पर वैल्यू है तो 3 दिखाओ क्योंकि ऊपर वाले में 1 ऐड हो रहा है। और मैंने फ्रेंड्स अगर इसको नीचे तक पेस्ट किया तो प्रॉब्लम आ गई, फिर से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, देखो प्रॉब्लम क्या क्या आएगी, आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन दूंगा यहां पर आपको, राइट। थोड़ा मेरा वीडियो फ्रेंड्स लेंथी हो रहा है बट आपको एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन रूट में जाकर सॉल्यूशन दूंगा, आपको रीजन पता होने जरूरी है कि कुछ भी अगर करवा रहा हूं तो वो क्यों करवा रहा हूं, राइट। चलो जी अब ये प्रॉब्लम आ गई, क्यों, यहां 0 है तो ब्लैंक कर दिया, अब ऊपर वाले में मैंने बोला जी 1 ऐड कर दो, ऊपर कुछ है ही नहीं, राइट, कुछ है ही नहीं, और 1 ऐड करवाया तो कुछ वैल्यू एरर आ गया इसके अंदर, वैल्यू एरर आ गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैंने बोला जी जहां पर नहीं है वहां पर 0 दिखा दो, जहां पर नहीं है ब्लैंक मत दिखाओ, 0 दिखा दो, ठीक है जी। तो इस ब्लैंक की जगह मैंने बोला जी 0 दिखा दो, एंटर किया, कॉपी किया नीचे तक और पेस्ट कर लिया। अब क्या हुआ, 3 आ गया, इनमें 0 0 आ गया, और क्योंकि यहां पर था तो ऊपर वाले में 1 जोड़ दो, अब ऊपर वाला 0 था इसमें 1 जोड़ के 2 कर दिया, राइट, समझ रहे हो प्रॉब्लम, ये देखो तो यहां फिर 0 हुए, यहां फिर 1 से शुरू हो गया। मुझे ऐसा नहीं करवाना है, मुझे क्या करवाना है, मुझे चाहिए 1 2 3 उसके बाद यहां 4 आना चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। तो उसका तरीका क्या है फ्रेंड्स, उसका तरीका फ्रेंड्स ये है कि आप सिंपल क्या करो, अगर अब समझना फॉर्मूले को, मैं कहता हूं जी यहां 0 मत करो, 0 मत करो, जहां पर ये है, जहां पर वैल्यू है सी में तो वहां तो ऊपर वाला प्लस 1 कर दो, अदरवाइज क्या करो, ऊपर वाला प्लस 1 कर दो, अदरवाइज यहां पर सिंपल ऊपर जो भी वैल्यू है D1, राइट, आप D1 ले लो, D1 मतलब ऊपर वाली सीधी एज इट इज वैल्यू ले लो,
क्या होगा इससे, मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा, तो जहां पर वैल्यू है वहां वो उठा लो, अदरवाइज समझ रहे हो, एज इट इज ऊपर वाला ले लो, तो जहां इधर जीरो था वहां ऊपर वाला ले लिया, ऊपर वाला ले लिया, फिर यह चार आ गया, पांच आ गया, फिर यह पांच पांच रिपीट हो रहा है, छह आ गया, बट अभी भी फ्रेंड्स प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई है। वैसे देखो इससे भी काम चल जाएगा, आप देखो मैं दिखा देता हूं आपको, इतने से भी काम चल जाएगा। मैं यहां पर इसको क्या करूंगा, क्योंकि इनमें अब ये तीन तीन रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आप बैलेंस शीट पे जाके देखो, वन टू थ्री राइट, अभी यहां पर क्या आ रहा है, सिक्स सेवन आ रहा है, फोर फाइव नहीं आया, क्यों नहीं आया यहां पर फोर फाइव, देखो जी चलो नोट्स इस पर चलते हैं, नोट्स की मैपिंग पे, नोट्स की मैप सॉरी नोट्स पे चलते, वर्किंग पे चलते हैं। वर्किंग में अब आपको क्या करना है, वर्किंग में आपको जो नोट नंबर है, नोट नंबर है, वो नोट नंबर कहां से लगा हुआ है, नोट मैपिंग में ए टू बी दूसरा कॉलम, ए टू बी दूसरा कॉलम, नोट की मैपिंग ए टू बी कॉलम नंबर टू, ये वाला कॉलम मैं कहता हूं इससे मत लगाओ, इससे लगाओ, लुकअप इससे लगाओ, ए टू डी और चौथा कॉलम, ठीक है जी। चलो कर लेते हैं ये वाला चेंज वर्किंग में चल के, तो यहां पर मैंने क्या किया, इसको ए टू बी की जगह ए टू डी कर दिया रेंज राइट, और इसको चौथा कॉलम, फ्रेंड्स वी लुकअप में जरा भी दिक्कत है, पहले अच्छे से देख लेना, एंटर किया, अब इसका फायदा देखो, जो मेरा नया कॉलम है रिवाइज्ड, वहां से जो मैंने करेक्ट करके निकाला है वहां से नोट आ रहा है, और बैलेंस शीट के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव राइट, इसमें कोई अमाउंट है नहीं राइट, और जब भी फ्रेंड्स इस नोट मैपिंग में इसके अंदर अमाउंट आएगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहां पर फोर हो जाएगा। अब आप कहते हो वैसे देखो इतने से काम हो गया मेरा, बट आप कहते हो यार यहां पर तीन दिखाने भी नहीं है, मुझे अननेसेसरी कंफ्यूजन हो रहा है, इस तीन को ऐसा कुछ कर दो कि ये ब्लैंक हो जाए, इस तीन को ऐसा कुछ कर दो कि ये ब्लैंक हो जाए, तो यहां पर फ्रेंड्स एक फॉर्मूला और क्रिएट कर लो बस राइट, एक फॉर्मूला और क्रिएट कर लो, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या करो, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ब्लैंक दिखाओ, ये बराबर किस केस में होंगे, देखो इस तीन के केस में बराबर होंगे तो ब्लैंक दिखा दो राइट, एल्स क्या दिखाओ, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ब्लैंक दिखाओ, एल्स जो ये नंबर है वो दिखा दो राइट। इफ का फंक्शन अच्छे से देख लेना, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स, बहुत सारे फॉर्मूले यूज किए हैं, एक्सेल अच्छा होना बहुत जरूरी है, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स आप मिरेकल कर सकते हो एक्सेल के अंदर। एंटर किया मैंने और मैंने फ्रेंड्स इसको नीचे तक कर दिया पेस्ट, तो जहां जहां आपके नोट चाहिए वहां आ रहा है और बाकी जगह नहीं आ रहा। अब आप अपनी जो नोट वर्किंग में नोट नंबर की जो मैपिंग की है वो आप किससे करोगे, कॉलम ई से, और इनको कर दो हाइड, ये तो चाहिए ही नहीं, मुझे इसको सिंपल डिलीट भी कर सकता हूं राइट, इनको कर दो हाइड। अब आपका क्या दिखेगा, ये असली नोट नंबर आपका ये है। फ्यूचर में कभी कोई नई ग्रुपिंग ऐड होती है, आप बीच में नई ग्रुपिंग भी ऐड कर सकते हो, और इस फॉर्मूले को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना, सब एज इट इज डायनामिकली काम करेगा राइट फ्रेंड्स, और इस पे आप कर दो अपनी, अब यहां पर आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है जी। तो जो आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लेना, मैंने मेथड आपको बता दिया, प्रॉब्लम बता दी, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको दे दिया राइट फ्रेंड्स। इस तरह से आप लोग अपने ऑटोमेटिक फाइनेंशियल क्रिएट कर सकते हैं राइट फ्रेंड्स, कहीं कंफ्यूजन हो इसको दोबारा देखिएगा, बहुत सारी जगह अगर आपको एक्सेल अच्छा आता है, बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर और भी अच्छी अच्छी कर सकते हैं राइट। मैंने नहीं बताया क्योंकि जिन लोगों को कम आइडिया है वो कंफ्यूजन क्रिएट भी आता राइट, तो मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता था, मैंने चीजों को जितना सिंप्लीफाइड रख सकता था उतना रखा है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इस मेथड को यूज करके आप कंप्लीटली अपने फाइनेंशियल्स को टैली से ऑटोमेट कर सकते हैं, एंड फ्रेंड्स जो लोग भी मेरा कंप्लीटली ऑटोमेटेड टैली का जो टूल है उसको यूज करना चाहते हैं तो ये टूल भी है फ्रेंड्स, इसको आप यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर फ्रेंड्स इजीली आप करंट ईयर प्रीवियस ईयर के आपको फाइनेंशियल्स क्रिएट करने हैं, रीग्रुपिंग के फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ मैंने एडवांस फीचर्स दिए हुए हैं, रीग्रुपिंग आपको करनी है राइट वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, काफी सारे फ्रेंड्स इसके अंदर एडवांस फीचर्स हैं, आपको वैल्यूज जो दिखानी है रुपीज में दिखानी है, थाउजेंड्स में दिखानी है राइट, जीरो बैलेंस जिसमें आइटम में कोई भी अमाउंट नहीं है उनको आपको हाइड करना है राइट, प्रीवियस ईयर के नंबर दिखाने हैं नहीं दिखाने हैं फ्रेंड्स, आपको फाइनेंशियल प्रिंट करने हैं राइट, तो वो कंप्लीट फ्रेंड्स आपको इसके अंदर मिल जाता है, क्या नोट नंबर किसी के नोट नंबर दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते हैं सारे चेक इसके अंदर लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स जो लोग भी इस कंप्लीट टूल को मेरे राइट देखना चाहते हैं कैसे काम करता है फ्रेंड्स, इसका भी लिंक एक वीडियो है मेरा जिसके ऊपर डिटेल मेरा वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आपको इसको यूज करना है फ्रेंड्स, ऑल्दो मेरा ये पेड टूल है बट इसका आप फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं, वीडियो का लिंक उसका भी फ्रेंड्स मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो लोग भी इस ऑटोमेटेड टूल को यूज करने में इंटरेस्टेड हो वो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा राइट फ्रेंड्स, और जो लोग भी खुद से क्रिएट करना चाहते हैं फ्रेंड्स वो खुद से क्रिएट करने के लिए इस मेथड का यूज कर सकते हैं।
राइट फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड्स नीचे एक लाइक का बटन है उसको जरूर दबाइएगा। चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। एंड फ्रेंड्स मेरे साथ एक्सेल पे फ्री मेगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।